हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 20 मई 2020 और 20 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने करंट अफेयर के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए अभी चरण पादुका अभियान की शुरुआत की। चरण पादुका अभियान, इसे हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य में पैदल चल रहे जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हीं के लिए इस चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई। अब इस अभियान में क्या है, तो इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे, ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इसकी शुरुआत इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन, आपको याद रखना है राऊ पुलिस स्टेशन, ये इंदौर का एक पुलिस स्टेशन है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई है, और उसी के बाद से अब राज्य भर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं लालजी टंडन। अब मध्य प्रदेश में दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कई हैं, उनके बारे में मैंने आपको जो ज्योग्राफी का हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा है पेंच नेशनल पार्क। कौन कौन से? कान्हा और पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के दो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल पार्क है। और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया। अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट ने जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको समर्पित करने के लिए एक विशेष डाक कवर जारी किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो डाक कवर जारी किया गया इसका उद्देश्य यह है कि कोविड-19 की वजह से जितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हुई है उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय डाक ने एक विशेष डाक कवर जारी किया। एक जगह है मुंबई में जीपीओ भवन, मुंबई के जीपीओ भवन में वेंटिनियल हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान पाँच प्रवासी मजदूरों को अभी हाल ही में बुलाया गया। अब इन पाँच जो प्रवासी मजदूर यहाँ बुलाए गए, इनमें से दो श्रमिक निर्माण, एक टैक्सी ड्राइवर, एक आभूषण कारीगर और एक दर्जी था। इसे जारी करने का मुख्य लक्ष्य जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके संघर्ष और उनके योगदान को बनाए रखना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। अब बात आई है भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट की, तो वर्तमान समय में इंडियन पोस्ट सर्विस के DG यानी डायरेक्टर जनरल हैं अरुंधति घोष। कौन है? अरुंधति घोष। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के अभी हाल ही में 73वां इसका आयोजन किया गया। किसका? विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में इसके 73वें सत्र का आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, जेनेवा। कोविड-19 महामारी पर बेस्ड विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित किया गया। इस सत्र में WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, और इंडिया की तरफ से इसमें वर्तमान समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कार्यकारी बोर्ड के द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान दिया गया। अब विश्व स्वास्थ्य सभा ये टर्म क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा ये WHO की निर्णय होने वाली, यानी उसके जितने भी डिसीजन होते हैं उस डिसीजन को लेने वाली ये एक संस्था है। अब बात आई है WHO की, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और
इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं ट्रेडोस अधानोम गिबेरियस। कौन है? ट्रेडोस अधानोम गिबेरियस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? रत्नाकर मतकरी ये एक प्रतिष्ठित लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लेखक ये दिग्गज मराठी लेखक और नाटककार थे जिनका COVID-19 के कारण निधन हो गया। आपको याद रखना है COVID-19 के कारण रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ है। इन्हें मराठी में बच्चों के नाटक शुद्ध करने का अग्रणी माना जाता था। साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने NARAIDCO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, NARAIDCO का फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। और इसी नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का अभी नया डायरेक्टर जनरल राजेश गोयल को नियुक्त किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राजेश गोयल। इससे पहले ये हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और उसके प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब बात आई है NARAIDCO यानी नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान समय के महानिदेशक तो अभी बन गए हैं राजेश गोयल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में केनरा बैंक ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केनरा बैंक। केनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया। अब ये इसने क्यों ऐसा इसने यानी गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ क्यों किया, यानी इसका करने का उद्देश्य क्या है? तो ये गोल्ड लोन व्यवसाय COVID-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। केनरा बैंक ने 30 जून 2020 तक, कब तक? 30 जून 2020 तक 7.85% यानी 7.85% वार्षिक ब्याज के दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस गोल्ड लोन अभियान की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में खर्च, व्यावसायिक ज़रूरतें, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत ज़रूरतों में इस लोन का इस्तेमाल करना। अब बात आई है केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और केनरा बैंक के वर्तमान समय के MD और CEO हैं LB प्रभाकर। केनरा बैंक के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं TN मनोहरन। कौन है? TN मनोहरन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? किस देश की बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग COVID-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बन गया? आपको पता होगा अभी लास्ट दो से तीन महीनों के बीच से कोई भी, यानी सब दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे सारी गतिविधियों पर रोक लग गई थी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो पिछले 2 से 3 महीनों में किसी भी देश में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन COVID-19 की वजह से लॉकडाउन की वजह से अभी हाल ही में सभी जो जितने भी खेल स्थगित किए जा चुके हैं और जितने पोस्टपोन हुए हैं उन सभी के बीच में अभी जर्मनी में इस बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, जर्मनी। अब आपको याद रखना है, देखिए जर्मनी ये बुंडेसलीगा लीग ये जर्मनी में शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बुंडेसलीगा को दर्शकों के बगैर ही खेला गया, यानी जो स्टेडियम है वहाँ पे कोई दर्शक नहीं था। इसका जो गेम हुआ है वो केवल प्लेयर्स के बीच में हुआ विदाउट दर्शक, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी जहाँ पर ये गेम खेला गया। ये है बुंडेसलीगा। अब इस बुंडेसलीगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फेडरल लीग, और फेडरल लीग को हिंदी में कहते हैं संघीय लीग। इस लीग के दौरान सप्ताह में 2 बार प्लेयर्स की टेस्टिंग की जा रही है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीमों को क्वारंटाइन में रखा गया है। बुंडेसलीगा की शुरुआत 1963 से हुई थी और ये जर्मनी की फुटबॉल लीग है। अब बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, जर्मनी की वर्तमान समय की करेंसी यूरो है, जर्मनी के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं
फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, ये जर्मनी के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं और जर्मनी के वर्तमान समय की प्रधानमंत्री और चांसलर हैं एंजेला मर्केल। कौन है? एंजेला मर्केल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक HACK हैक नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में CYSCCK ने, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। इसी ने अभी साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, CYSECK। ये कर्नाटक का है। कहाँ पे? ये कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक के इसी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें तीन कार्बोहाइड्रेट्स में 21 स्टार्टअप शामिल हैं। पहला है 10X काहोट, दूसरा है 0 से 1 काहोट और तीसरा है वर्चुअल काहोट। ये तीन इसमें काहोट हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो उभरते कौशल अंतराल और साइबर प्रोटेक्शन के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, ये इस स्टार्टअप हैक का उद्देश्य है, इस हैक का उद्देश्य। अब बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की वर्तमान समय की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक की वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वर्तमान समय की कर्नाटक की गवर्नर हैं वजुभाई वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हेटफुल मीम्स चैलेंज की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, फेसबुक, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, बिनी गैंट्स, रेवन रिवलिन और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।